बेंगलुरु में जो कर्नाटक की सरकार ने ऑर्डर पास किया वो संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 के सरासर खिलाफ है। भाई मेरा राइट टू ऑक्यूपेशन, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइफ और प्राइवेसी, सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा था ना कि मैं क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा क्या पहनूंगा वो आपका इख्तियार ही नहीं है। वो तो भाजपा की सरकार कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ में फैसला ले रही है, संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 के खिलाफ उन्होंने ये फैसला लिया और कर्नाटका में 80% लोग गोश्त खाते हैं। केंटकी फ्राइड में चिकन मिलेगा, मैकडॉनल्ड में बर्गर मिलेगा, होटल में गोश्त मिलेगा, मगर वो जो गरीब अपनी छोटी दुकान खोलकर कारोबार करके अपना पेट काटता है, वो जो छोटे गरीब लोग जो प्रोटीन हासिल करने के लिए अपना गोश्त खाते हैं, आप उनको सजा दे रहे हैं। ये दौलतमंदों की सरकार है, और आप तो संविधान के खिलाफ है। 80% लोग गोश्त खाते और सब जानते हैं कि इन्हें वो एक बेहतरीन न्यूट्रिएंट है गोश्त। चिकन की दुकान बंद रहेगी, गोश्त की दुकान बंद रहेगी, क्या है ये? और इतना बड़ा बेंगलुरु है जहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, क्या पैगाम दे रहे हैं पूरी दुनिया को भाजपा वाले? सिर्फ नफरत है आपको क्योंकि वो कारोबार ज्यादा मुसलमान करते। भाई गांधी जयंती के दिन मानते, इज्जत करना चाहिए। आप हर चीज में आप दुकान गोश्त नहीं बेचेंगे, वो नहीं बेचेंगे।